आ गया आ गया आ गया। पहली बार आई हूँ भी देख कैमरा नहीं था। दोस्तों अमीर बख्श बलोच सीनियर जो यहाँ पर ड्राइवर है, इनाम याफ्ता, तो इनाम याफ्ता 9055 जो है ना इस वक्त जो है ना चाइनीज कोशिश को लेकर जा रहे हैं। कराची से हैदराबाद तक रुकी है और दरमियान में एक ब्रेक लगी थी बहुत इमरजेंसी, तो हमें भी महसूस हुआ, तो इनसे जरा पूछेंगे वो ब्रेक लगी थी तो किस वजह से लगी थी। जनाब अली ये जो पैसेंजर अलाराम चैन पुल के नाम से एक ब्रेक है यहाँ पर जो हमारे इन डब्बे के अंदर लगी हुई है। पैसेंजर को किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो जाती, फॉर एग्जांपल कोई बीमार हो जाता है, किसी को अटैक हो जाता है, या ड्यूरिंग ऑपरेशन किसी का कोई सामान वगैरह गिर जाता है, तो वो ब्रेक इस्तेमाल की जाती है। वो जिस तरह वो ब्रेक लगाते हैं तो हमारे पास प्रेशर का ड्रॉप होना और हमें इंडिकेट हो जाता है कि पीछे से किसने ब्रेक लगा दी है और वो जो है ना किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम जल्द अज्द गाड़ी को रोक के उसके मसले को हल करने के लिए वहाँ पर इंचार्ज गार्ड को इन्फॉर्म किया जाता है और वहाँ पर उसका मसला दिया जाता है। तो अगर वो मसला उसका जेन्युइन हो तो क्या तरीका कार है, और अगर जेन्युइन ना हो तो उसके ऊपर कौन सा जुर्माना रखा है? देखिए जी, जेन्युइन तरीके के साथ तो ये होगा कि आपके पास पुलिस आएगी, आपके पास गार्ड आएगा, जो भी जेन्युइन मसला होगा उसके लिए बाकायदे आपको जो है ना वो चीजें मुहैया की जाएंगी, या जो चीज अभी गिर गई है वो आप उठा लेंगे। लेकिन अगर आपने नाजायज तरीके से गैर कानूनी तौर पर अगर लगा दी तो 2000 रुपए पेनल्टी है सर। इसके अलावा अगर वहां पर ट्रेन के अंदर चलने वाले एसटीज हैं, ग्रुप हैं, तो आपके ऊपर इससे ज्यादा भी जुर्माना लगा सकते हैं। अच्छा सर, ये लोगों को बता दें कि लोग जो बाहर निकल के इतने लंबे लंबे हाथ करते, जो मोबाइलों से वीडियो बना रहे थे, उनके लिए भी एक पैगाम बता दें कि गलत है ये। सर देखें, बात ये है कि कानून की खिलाफ वर्जी है गेट का ड्यूरिंग ऑपरेशन चलना और उसके बाद गेट का खुलना, वो कानून जुर्म है। जब ट्रेन चले तो तमाम मुसाफिरों को चाहिए कि अपने गेट्स को मुकम्मल तरीके से बंद कर दें। अगर वो गेट खुला हुआ है तो इसका मतलब वो मुसाफिर जुर्म कर रहा है, उसको नहीं कर, अपनी जान का भी ख्याल करना चाहिए। और जरूर जाहिर बात है वहां से गुजरने वाले और लोग भी बहुत से होंगे, और मजाक के अंदर टांग या हाथ करके किसी को लग सकता है तो वो भी कोई नुकसान हो सकता है। तो कानूनन बात यह है कि उस बंदे को कराची से हैदराबाद आ गई, अभी कहाँ तक जाएगी? सर ये मैं तो रोहित तक जाऊंगा, फिर उसके बाद ये लाहौर और लाहौर से होती पिशावर तक जाएगी। सर मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं लेके आया, कई बार ऐसी ट्रेन लेकर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये चाइना का नया जो रेक आया ना इसको वाकई फर्स्ट टाइम लेकर आया हूँ मैं ना, लेकिन बहुत बेहतरीन वर्किंग इसकी माशाल्लाह, ब्रेकिंग पावर बहुत आला और अच्छा है, अच्छे तरीके से बनाया गया है। बाकी कोचेज के अंदर जो सिस्टम आपने देखा है वो भी बहुत बेहतरीन बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत बेहतर है सर। देखिए कोचेज के बारे में ये है कि इसकी मेंटेनेंस अगर प्रॉपर तरीके से होती रही, क्योंकि हमारे पास ये नया एक सिस्टम से अडॉप्ट हुआ था ना ब्रेकिंग का, जिसके अंदर डिस्क टाइप लगी हुई है हमारी इन कोचेज में, पहले भी एक चाइना से कोचेज आए थे जो कराक्रम के अंदर चल रही थी, फाइव के अंदर चल रही, ग्रीन के अंदर चल रहे थे, तो उनकी ब्रेकिंग बहुत, लेकिन बात मसला ये है कि हमारी मेंटेनेंस का, अगर डिस्क के ऊपर उन्होंने मेंटेनेंस मुकम्मल तरीके रखी हुई तो सर ये बहुत बेहतरीन ब्रेकिंग पावर है, और कम अज कम वक्त के अंदर इस गाड़ी का इतना जल्दी रोकना बहुत बेहतर है सर।
अल्लाह हाफिज़।